हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हो इचकिया किचन। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ चिकन कटलेट की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा चीजी और यम्मी होगा। इसे बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं बताऊंगी किस तरीके से स्टोर किया जाता है। और ये खाने में इतने ज़्यादा यम्मी होते हैं ना कि एक बार बनाओगे तो बार बार इसी तरीके से आप बनाओगे, इतने टेस्टी होते हैं, यम्मी होते हैं। और इसे हमने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में बनाया, मतलब कि मार्केट स्टाइल में। तो बस थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं जिससे क्रीमी टेक्सचर आए इसे और चीज़ी बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ना मैंने एक फ्राई पैन गैस के ऊपर रख दिया है। यहाँ पे हमें एक सॉफ्ट और क्रीमी डो बनाना होगा, एक क्रीम बनानी होगी। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में ना एक क्यूब छोटा वाला जो आता है ना, वो बटर का इस्तेमाल किया है। बटर डालने के बाद ना फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे, लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना होगा, नहीं तो बटर जल जाएगा। बटर डालने के बाद थोड़ा सा ऑयल भी डालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा। मैदे को थोड़ा सा सॉटे करेंगे, मतलब इसका कच्चापन बस हमें ख़त्म करना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, इतना हम इसे कुक करेंगे। और जैसे जैसे इसमें से ऑयल रिलीज होने लगेगा ना, तो समझ जाना कि यहाँ पे ये मैदा पक चुका है, कुक हो चुका है बहुत ही अच्छे से। तो लो फ्लेम पर मैंने इसे पेशेंस रखकर 1 से 2 मिनट तक कुक किया है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसका कच्चापन हमें ख़त्म करना होता है, कलर चेंज नहीं किया है मैंने। तो देखिए, इसमें से ऑयल रिलीज हो रहा है, तो मैदा हमारा भुन चुका है। अब इस स्टेज पर आने के बाद हमें इसमें ऐड करना होगा दूध। तो मैंने यहाँ पे ना 1 कप के करीब दूध लिया है। कोई भी आप दूध यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि पैकेट वाला मिल्क या तो फुल फैट मिल्क जो होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो घर में वही यूज़ करना है। मिक्स कर लेंगे। अब जैसा ही हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे ना, तो ये गाढ़ा गाढ़ा होता जाएगा, एक कट्टा होता जाएगा, इसका एक डो बन जाएगा। लेकिन हम इस स्टेज पर आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे चीज़। तो मैंने यहाँ पर स्लाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें चीज़ ही बनाना है ये कटलेट। तो 2 स्लाइस मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए। आप चाहे तो आपके मनपसंद का कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो स्टेज पर आने के बाद। और इसे हम भून लेंगे, मिक्स करते हुए इसे हमें कुक करना है। तो देखिए, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगा इसमें और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे क्रीमी डो बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। फ्राई पैन को छोड़ रहा है, स्पून को भी बिल्कुल भी नहीं लगाए। तो इसे हम साइड में कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ चीज़ें। तो 1 कप मैंने लिया है चिकन। तो चिकन को मैंने ना थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर बॉईल कर लिया था। पानी पूरी तरीके से ड्राई करने के बाद, इसे ठंडा होने के बाद श्रेड किया था। तो यहाँ पे ये चिकन का इस्तेमाल किया है, 1 कप लिया है। उसके साथ इसमें जाएगा कैप्सिकम। तो 1 कप मैंने कैप्सिकम लिया है, मतलब कि एक ही कैप्सिकम है, इसे चॉप कर लिया है, फाइन बारीक कट करना है। उसी के साथ 1 मैंने कैरेट लिया है, इसे भी फाइन चॉप किया है। और कैबेज 1 कप लिया है। सेम क्वांटिटी में वेजेस मैंने ऐड किए हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई भी वेजेस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीट स्टाइल में आप बना रहे ना, ये सब वेजेस जाती है। नमक थोड़ा सा डाला है मैंने, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर इसमें जाएगा। नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और जैसे कि अब हमने डो जो बनाया है क्रीमी, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है जो क्रीम चीज़ आता है ना, वो लिया है। तो 2 टीस्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ। ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। या तो ग्रेड करके भी चीज़ आप इस स्टेज पर आने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ी कटलेट बना रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें जाती है। सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो जो रेसिपी है वो मैंने अपने मेरे स्टाइल में बनाई है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे रिक्वेस्ट पर। बहुत ही ईजी है और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को। अब इस स्टेज पर आने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, मतलब गाढ़ा हो गया था। तो इस स्टेज पर आने के बाद मैंने मेयोनीज लिया है, 2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी इसकी और क्रीमी क्रीमी यहाँ पे हमारे चिकन कटलेट बनके रेडी हो जाएंगे। तो मैंने मेयोनीज इसमें ऐड किया है। मेयोनीज की रेसिपी मैंने अपलोड की थी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर, अगर नहीं वॉच की है तो लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख सकते हैं। या तो मार्केट वाला भी आप मेयोनीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे से, देखे। और यहाँ पे फिर से एक डो बन के रेडी हो गया है। तो कटलेट बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हाथों को सबसे पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और कटलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना कोई भी साइज़ के, कोई भी शेप के आप यहाँ पे कटलेट बना सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में हम बना रहे हैं, तो स्ट्रीट स्टाइल में, मार्केट स्टाइल में जो कटलेट बनाया जाता है, मार्केट में जो मिलते हैं, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं ना, राउंड शेप के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट शेप देने की कोशिश की है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। रेगुलर बेस पर तो हम बनाते ही राउंड शेप वाले कटलेट, तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके के बनाए। तो जितने भी कटलेट हैं मैं इसी तरीके के बनाऊंगी, आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पे शेप दे सकते हैं।
ट्रायंगल दे सकते हैं, या तो ओवल शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, जो भी आपके मर्जी के हिसाब से आप शेप यहाँ पे दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है इस साइज़ के कटलेट बनाने। देखिए बहुत मोटे भी नहीं करना है, बहुत पतले भी नहीं करना है, तो ये परफेक्ट साइज़ है। और जितने भी कटलेट सब मैंने बना लिया है, अब बारी आती है इसे कोटिंग करने की। आप अगर चाहे तो इस स्टेज पर आने के बाद भी इसे स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन देखिए कोटिंग करके मैं बताऊंगी किस तरीके से स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एग लिया है, 2 एग। इसमें ना थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला था मिल्क। मिल्क डालने से ना अंडा जो है ना सॉफ्ट होता है। तो एक एक कटलेट लेके अंडे में अच्छे से डिप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ, या स्पून का भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब अंडे में हाथ जाएगा तो हमारा जो हाथ है वो गीला हो जाएगा, और फिर वही ब्रेड क्रम्स में हम जब डालेंगे ना तो चिपकता है, ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फोक का इस्तेमाल किया है। अब ब्रेड क्रम्स में हम इसे डालेंगे और हाथों का इस्तेमाल करके अच्छे से कोटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से कोटिंग करना है, तो यहाँ पे क्रिस्पी कटलेट बनके रेडी हो जाते हैं। और स्टेज पर आने के बाद आप इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हो 15 से 20 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। जब भी स्टोर करके रखोगे तो एक के ऊपर एक नहीं रखना है, डिब्बे में रखना है, एयरटाइट कंटेनर में, और बीच में पॉलीथीन बैग या बटर पेपर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रीजर में रखना है, नीचे नहीं रखना है। तो यहाँ पे जब भी आपको फ्राई करना होगा तो आधा घंटा या एक घंटा पहले निकाल लीजिएगा फ्रीजर से, और फिर आराम से आप इसे फ्राई कर सकते हो जब आपकी मर्जी हो तब। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से कोटिंग कर दिया है जितने भी कटलेट है सब। अब फ्राई करने की बारी आती है, तो मैंने फ्राई पैन पहले से गैस के ऊपर रख दिया था, इसमें ऑयल डाला था। तो इसे हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, तो ऑयल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ही ली है यहाँ पर। तो जितने भी कटलेट है सब इसे इसमें ऐड कर दूंगी सॉरी, और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना होगा। तो एक साइड से जब हो जाएगा हल्का गोल्डन कलर आएगा तो इसे हम पलट देंगे, दूसरे साइड से भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, और फटाफट से हो भी जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो जितने भी कटलेट है सबको मैंने अलट पलट करके दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। और आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हो, पहली बार मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। तो देखिए मैंने कटलेट निकाल लिया है, यहाँ पे दोनों साइड से मैंने इसे फ्राई कर दिया है। तो ये वाला स्पून जो है जाली वाला, उस पर मैं निकालूंगी। आप चाहे तो टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप इसे इंजॉय कर सकते हो टोमेटो केचप के साथ, या तो कोई भी आपकी मनपसंद जो चटनी है तो उसके साथ आप ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। और ऐसे भी बिना चटनी बिना सॉस के भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक मैं तोड़कर बताती हूँ आप लोगों को, देखिए ऊपर से कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से चीज़ी और क्रीमी है। तो चीज़ की क्वांटिटी अगर आप बढ़ाते हो तो चीज़ी बहुत ज़्यादा चीज़ी यहाँ पे कटलेट बनके रेडी हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस का ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप लोग भी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ गिव मी बिग थम्स अप, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आसान से रेसिपी के साथ, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।